लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। देश में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में राज्य को प्रमोट करने को लेकर चल रहे मौजूदा प्रयासों के साथ ही राज्य पर्यटन बोर्ड ने नमस्ते ओरछा महोत्सव की घोषणा की। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला यह महोत्सव 6 से 8 मार्च 2020 तक ऐतिहासिक शहर ओरछा में आयोजित किया जाएगा। नमस्ते ओरछा महोत्सव की घोषणा इंदौर में एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। प्राचीन और विलक्षण शहर ओरछा में 3 दिन के इस असाधारण महोत्सव में विविध गतिविधियां जैसे म्यूजिक, आर्ट, वेलनेस, ट्रेवल, नेचर, एडवेंचर, हिस्ट्री और कल्चर आदि संबंधी कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह सभी गतिविधि अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों के नेतृत्व में की जाएगी और भाग लेने वाले आमंत्रित प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही बेतवा नदी के किनारे महाआरती का एक मनमोहक दृश्य का चित्रण किया जाएगा। प्रख्यात गायक पद्मश्री शुभा मुद्गल, प्रसिद्ध गीतकार लेखक स्वानंद किरकिरे, लोकप्रिय गायक शिल्पा राव, संगीतकार क्लिटन सेरजो, फ्यूजन रॉक के दिग्गज इंडियन ओसन, प्रख्यात अभिनेता मनोज वाजपेयी, नियो फोक म्यूजिक बैंड कबीर कैफे आदि कुछ कलाकार हैं जो दर्शकों के लिए महोत्सव को आकर्षक अनुभव बनाएंगे। साथ ही फ्रेंच स्पेनिश वर्ल्ड म्यूजिक स्टार मनु चाओ समारोह में प्रमुख आकर्षण में से एक होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने हाल ही में 10 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और राज्य को लॉनली प्लेनेट की ओर से दुनिया के टॉप 3 बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन की सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन को विकास के लिए प्रमुख सेक्टर्स में शामिल किया है और उसका लक्ष्य राज्य को घरेलू और विदेशी दोनों ही पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल के रूप में विकसित करने का है। राज्य लगातार ढांचागत विकास, विरासत स्थलों के संरक्षण, प्राकृतिक स्थला और जैव विविधता को विकसित करने के साथ ही शहरों के अलावा ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। फेस्टिवल डायरेक्टर यास्मीन किदवई ने कहा कि ओरछा मध्य प्रदेश की छिपी हुई धरोहर है और अपनी प्रसिद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और रचनात्मक पर पनपती है। हमारा विचार मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कैलेंडर में इस महोत्सव को एक वार्षिक कार्यक्रम बनाना है जो इस आकर्षक जगह के बारे में विचारों और रचनात्मक सहयोग की मदद से जानना रोचक बनाने में मदद करेगा। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। 7 तारीख को एक छोटा CII के साथ बिजनेस कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं और उसमें डिफरेंट पैनल्स होंगे। एक पैनल यही है कि हम ओरछा को एज ए वेडिंग डेस्टिनेशन कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एक है कि हम उसको एक फिल्म डेस्टिनेशन कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम उसको एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें बॉम्बे की इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आ रहे हैं जो इस पर बातचीत करेंगे। वेडिंग इंडस्ट्री से काफ़ी लोग बॉम्बे से आ रहे हैं जो इस पर बातचीत करेंगे कि हम लोग कैसे मिलकर एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन, एज अ फिल्म डेस्टिनेशन, एज अ सस्टेनेबल ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोट कर सके। एक हमारा और भी प्रयास है कि हम इसको एक ग्रीन फेस्टिवल की तरह रखें एज एंड कैसे और कि मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक करें, हर चीज़ को आप सस्टेनेबल तरीके से कैसे कर सकते हैं। और सबसे सबसे ज़रूरी ये है कि हम लोकल्स को इससे कैसे जोड़ें ताकि उनको फ़ायदा हो, उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो एंड नमस्ते ओरछा को वो अपना फेस्टिवल समझ के अपनाएं और ओरछा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ये दोनों अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया ओरछा इज़ अ कल्चरल फेस्टिवल और आइफा तो हम सभी जानते हैं कि वो बॉलीवुड का एक नंबर वन मॉडल है। उसका एक कारण ये है कि सबसे पहले अपने प्रदेश को एक अच्छी पहचान दिलाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम ला सकेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और इस तरीके के लोगों को हम आकर्षित कर सकेंगे, तो उसके लिए एक जरिया ये है कि हम ऐसे कुछ चीज़ों को क्यूरेट करें, ऐसी चीज़ों को हम ले आएँ मध्य प्रदेश, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश का नाम हो। जैसे आज आइफा के बारे में अगर आप कहते हैं तो कितने देशों में, 90-100 देशों में ये टेलीकास्ट होता है प्रोग्राम, तो टीवी पे इतने सारे देशों के लोग उसको देखेंगे। मध्य प्रदेश कहाँ है ये एक लोगों को मालूम होगा, मध्य प्रदेश में क्या है, उसके अलावा क्या है। जब आप टीवी में उसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी उसमें दिखाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा वाइल्ड लाइफ, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री, हमारा रिलीजियस ज्योतिर्लिंग, ये सब दिखाए जाएंगे उसमें, जैसा हमने ITA अवार्ड्स में देखा था। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इस तरीके के आयोजनों से मध्य प्रदेश को एक नई पहचान, एक नए उसके आयाम और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को लाने का काम होगा।
तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।